में बहुत ही बुरी हार के बाद समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है, इस पर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से राय पेश की है। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं, एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार की खबर आने के तुरंत बाद देखा जाए तो आजम खान का ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करने की खबरें फैलने लगी और उन्हें स्वागत करने के लिए, उन्हें अध्यक्ष पद देने के लिए भी फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के शौकत अली ने पूरी तरह से तैयारी कर ली, कहा कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा अपनी। ऐसे में आजम के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार AIMIM के शौकत अली को क्या जवाब मिला अखिलेश से सुनिए। अखिलेश ने हार को लेकर भी कहा अलग ही वजह बता दी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हार को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से राय पेश की है। जी हाँ, मनमानी और धांधली चलाया जाता है विधान परिषद के चुनाव में, ये कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। एसपी मुख्यालय से बयान जारी किया उन्होंने और कहा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी की मनमानी और धांधली सभी हदें पार कर गई। बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, बीजेपी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि दूसरों को जातिवाद बताने वाली बीजेपी की सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीट में से कुल 18 पर मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग जीते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है, यानी कि काफी ज्यादा आग बबूला अखिलेश बीजेपी को घेरने का अभी भी कदम पीछे नहीं रख रहे, तो ये फैसला लिया है कि बीजेपी को वो घेरेंगे चाहे उनकी पार्टी में कितनी भी कमजोरियों की बात क्यों ना हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।